महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के साथ रिलेशनशिप में रही एक महिला ने पुलिस के समक्ष की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले 3 महीने से उसके 2 बच्चों को मंत्री ने अपने बंगले में रखा हुआ है और वह उसे बच्चों से मिलने या बात करने नहीं दे रहे हैं। मुंडे ने बुधवार को दिए बयान में कहा कि महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि इन आरोपों का उद्देश्य उन्हें बदनाम करना है। महिला ने अपने जन्मदिन पर मंगलवार को फेसबुक पर एक कथित तौर पर एक पोस्ट कर मामले की जानकारी दी थी। महिला ने धमकी दी है कि अगर पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया तो वह 20 फरवरी को भूख हड़ताल करेगी। पोस्ट में महिला का दावा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दक्षिण मुंबई के सरकारी बंगले में उसके बच्चों को 3 महीने से छिपा कर रखा है। मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय को दी गई लिखित शिकायत में महिला ने दावा किया है कि 14 वर्षीय उसकी बेटी सुरक्षित नहीं है।